माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिजिक्स से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो हम तो आपसे बस यही कहेंगे कि आप लोग इस 25 क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। लेकिन इसके पहले, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन एसआई मात्रक से संबंधित है। और आपको पता है कि परीक्षा में एसआई मात्रक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 10th क्लास में एसआई मात्रक से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, आप लोग सभी एसआई मात्रक को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी एसआई मात्रक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यह कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। यदि पहला का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। मुख्य रूप से सवाल यही उठता है कि धनात्मक या ऋणात्मक, या कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक। तो जवाब हो जाएगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। अगर अवतल के बारे में पूछा जाए तो अवतल का ऋणात्मक होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, यानी कि जो कैमरा लगा हुआ रहता है कैमरा में कैसा लेंस रहता है, कैमरा का अभिदृश्यक। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का होता है, हूबहू वैसा ही जैसा कि हमारे आंख में रहता है। हमारे आंख में भी उत्तल लेंस पाया जाता है और कैमरे में भी उत्तल लेंस ही पाया जाता है, और दोनों देखने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। देखने में तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, लेकिन यही सारे क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड रिपीट करता है। मतलब बिहार बोर्ड की नजर में यह सारे क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि बार बार पूछा जाता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपको हम पढ़ाए थे परावर्तन का नियम इस प्रकार से होता है, जिसमें यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग आई से इसको आर से लिखते हैं, यानी कि आई बराबर आर होता है। आई को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आर को परावर्तन कोण कहते हैं, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा। यह वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। चलिए छह नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अगर उत्तल लेंस है और उसका प्रकाशिक केंद्र यानी कि जो सेंटर है और मुख्य फोकस यानी कि जो फोकस है दोनों के बीच में, यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। तो वह जो प्रतिबिंब बनेगा जो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है, पहला चीज तो क्यों, वह काल्पनिक होगा यानी आभासी होगा, और वस्तु से सीधा होगा, वस्तु से उल्टा नहीं होगा प्यारे बच्चों, वस्तु से सीधा प्रतिबिंब भी बनेगा। अब सात नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का कह रहा है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। सात नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश फैलता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। जब पानी पड़ता है यानी कि जब बारिश होता है तो बरसात की कुछ बूंदे वायुमंडल में रह जाती है, जो कि किस प्रकार का काम करती है, वायु की कुछ बूंदे जो है वह कुछ देर के लिए प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है, और इसलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन बताइए, आंख व्यवहार करता है, आंख कैसा व्यवहार करता है। तो आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ए ऑप्शन होगा सही जवाब। हूबहू मिलता जुलता क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। इसी क्वेश्चन को उलट करके भी पूछता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। दस नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहते हैं,
बी ऑप्शन होगा सही जवाब। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? आपको हम बताए थे कि जो नेत्र का लेंस होता है वह घटता है और बढ़ता है, यानी कि लंबा होता है और पतला होता है, और उस जो इस प्रकार की घटना है उसे हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। लेकिन अगर यह लंबा होना, घटना, बढ़ना अगर बंद हो जाए तो यानी कि समंजन क्षमता कम हो जाती है, और समंजन क्षमता कम हो जाने से दूर का बिंदु और निकट का बिंदु दोनों प्रभावित होता है, तो ऐसे में उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें दूर का बिंदु और निकट का बिंदु दोनों प्रभावित हो जाए। उसके बाद है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? प्यारे बच्चों यहां पर देख रहे हैं पावर दिया हुआ है, पावर कितना है 100 वाट है, पावर दिया हुआ है 100 वाट, अगर वोल्ट की बात किया जाए तो दिया हुआ है 220 वोल्ट, हमें क्या निकालना है R निकालना है ना, R बराबर फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बटे पी, भी स्क्वायर की बात किया जाए तो 220 गुने 220 बटा 100, अगर हम यहां पर से एक शून्य से एक शून्य और दूसरे शून्य से दूसरा शून्य काट दें तो बचेगा कितना 22 गुने 22, और 22 गुने 22 को यदि हम लोग करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा, यानी सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, जिसको शॉर्टकट में हम लोग KWH बोलते हैं, कभी कभी KWH का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो किलोवाट आवर हो जाएगा। अगला है एक एचपी, एक एचपी मतलब हॉर्स पावर, हिंदी में अश्व शक्ति बोलते हैं, तो एक एचपी कितना के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो एकदम आसान आसान है, देखिए हम हार्ड क्वेश्चन के लिए आपको नहीं यह वीडियो हम लेकर आए हैं, हम इसमें क्या बोले हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है वह क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बहुत हार्ड है वह क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, यह सारे क्वेश्चन आसान है लेकिन रिपीट किए जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो हम सिर्फ बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन ही हम आपके सामने लेकर आते हैं, 25 क्वेश्चन उठाते हैं और 25 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, यानी कि जो बिजली का फ्यूज होता है उसका तार बना होता है, तांबा और टीन दोनों का मिश्रण होता है, तो सी ऑप्शन होगा सही जवाब, तांबा और टीन का मिश्रण सी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अगला है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका जवाब होगा कि बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक का लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक का अगर मोटाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, चालक का प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि उसका मोटाई घट रहा है, तो मोटाई का अर्थ यहां पर क्षेत्रफल से है, चालक की प्रकृति पर कि चालक जो तार है वह किस चीज का है, तांबा का है, लोहा का है, एल्युमिनियम का है, किस चीज का तार है, तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि चालक की लंबाई बढ़ने पर ताप बढ़ता है, सेम यही क्वेश्चन है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है, तो जब लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और जब लंबाई घटेगा तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो किसका अर्थ जल होता है, तो यहां पर जवाब ध्यान रखिएगा हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है, डी ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क कागज की प्रतिरोधकता, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कि शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितनी होती है, जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 10^12 ओम मीटर, ठीक है ना, 10^12 ध्यान रखिएगा। अगला है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो सारे बच्चे जानते होंगे कि डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, 21 का, यदि आप लोग ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो जवाब आपका बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है या टेस्ला,
चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? टेस्ला होता है, ध्यान रखिएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगर आप लोग दूसरे नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, तो चुंबक और चुंबकीय प्रभाव दोनों में अंतर होता है। यहां पर अपना प्रभाव दिखा रहा है और यहां पर चुंबक के बारे में, तो यह नहीं होगा बल्कि ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगला है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत ऊपर तक रहे और स्थिर रहे और स्थिर होकर के एकाएक नीचे आ जाए, गतिशील हो जाए, तो वह स्थिर जो है ना, वह स्थितिज ऊर्जा होता है। और जल विद्युत में जो जल होता है वह एक जगह जमा होता है, यानी कि वह स्थिर होता है, और एकाएक ऊपर से नीचे गिरता है तो वह गतिज ऊर्जा में आता है। तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। जल विद्युत संयंत्र जो है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो ध्यान रखिएगा तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके प्यारे बच्चों बताइएगा। यह तो 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही है। आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा कि भागलपुर के बगल में, भागलपुर बिहार, हम भागलपुर की बात करते हैं, बिहार भागलपुर के बगल में भी एक विद्युत तापीय संयंत्र है जिसका क्या नाम है। बिहार भागलपुर के बगल में एक विद्युत तापीय संयंत्र है, उसका क्या नाम है, आप लोगों को यह कमेंट करके बताना है। जितने सारे भी बच्चे भागलपुर साइड के होंगे जरूर जानते होंगे कि क्या नाम है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भागलपुर के बगल में भी एक विद्युत तापीय संयंत्र है, उसका नाम क्या है। जिन बच्चों का कमेंट आएगा हम यह समझेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, और जिन बच्चों का कमेंट नहीं आएगा हम समझेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखे हैं। तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखे होंगे तो इसका जवाब भी जरूर जानते होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको 25 ऐसे क्वेश्चन बताए जो फिजिक्स से संबंधित है और बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि 25 क्वेश्चन का या तो जवाब आप लोग पहले से जानते होंगे या तो आप लोग इस वीडियो में जरूर जान गए होंगे। ऐसे आपका कितना सही हुआ, 25 में से कितना सही किए हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए उठा कर लाएंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।